बुधवार से दिल्ली और पंजाब के बीच दिल्ली में शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच में युवराज सिंह इस राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियन के 2018-19 सत्र में पहली बार खेलते हुए दिखेंगे। युवराज ने टीम इंडिया में जगह पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इस धुरंधर बल्लेबाज की नज़र टीम इंडिया में जगह हासिल करने पर है। युवराज कह चुके हैं कि वह 2019 वर्ल्ड कप के बाद ही अपने संन्यास के बारे में सोचेंगे। युवराज की वापसी से पंजाब को मजबूती मिली है, जो पहले दो मैचों में आंध्र और मध्य प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल करने में नाकाम रहा था। भारत की तरफ से जून 2017 में अपना आखिरी मैच खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज युवराज पंजाब के हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाफ होने वाले दो मैचों के लिए भी उपलब्ध होंगे। युवा खिलाड़ी शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह भारत ए टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर है। पंजाब की तरफ से दिल्ली भी इस मैच में अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा। उसने इससे पहले हैदराबाद और हिमाचल के खिलाफ अपने मैच ड्रॉ खेले। नीतीश राणा की अगुवाई वाली टीम हैदराबाद के खिलाफ मैच में पहली बार में बढ़त हासिल नहीं कर पाई थी। चोटिल होने के कारण हैदराबाद के खिलाफ नहीं खेल पाने वाले सीनियर खिलाड़ी गौतम गंभीर वापसी करने के लिए तैयार है। तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भारत ए टीम के साथ होने के कारण इस मैच में भी नहीं खेल पाएंगे। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।